तो भाई काफी सारे भाई सोच रहे होंगे कि पार्थ कहाँ गया, पार्थ कहाँ गया, 6 महीने हो गए वीडियो नहीं डाली अब तक। भाई बहुत जल्दी वापस आऊँगा, होपफुली इस मंथ के अंदर आ जाऊँगा, नवंबर जो मंथ है इसके अंदर वीडियो डालने दोबारा स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जब वीडियो डाला करता था तो मैं अपनी जॉब के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, जो मैं अपनी स्टडी कर रहा था, MBA कर रहा हूँ मैं अभी, साथ साथ मेरा अपना साथ में एक IT कोर्स भी कर रहा था मैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था मैं, जिसके कारण ये हो रहा था कि मैं दोनों तरफ में से किसी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था ना। मैं YouTube के ऊपर पूरा फोकस करके कि हाँ हफ्ते के अंदर 3 वीडियो रेगुलर लेकर आऊँ, वो भी नहीं कर पाता था, और ना ही मैं अपनी पढ़ाई कर पा रहा था उसके चक्कर में। तो मैंने उसका बेस्ट ऑप्शन यही निकाला कि YouTube यार आज है कल नहीं है, ठीक है, इससे बेटर ये है कि भाई अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पहले अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ। कब तक यार मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेता इन सब चीज़ों के लिए कि मेरे को YouTube के वीडियो बनाने जानी है, क्योंकि अर्निंग ऐसा इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मेरे चैनल पर इतनी रीच है नहीं, मैं भले ही जितनी भी मेहनत करता रहूँ अपने चैनल के ऊपर। तो होपफुली मैं नेक्स्ट मंथ से जो है वीडियो डालने स्टार्ट करूँगा, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ मेरी जॉब भी लग गई है। और जो कोई भी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट सेक्शन में लिख रहा है उन सबको मैं अभी बता देता हूँ कि थैंक यू सो मच, और यही बात है बस जो है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, सामने इंस्टाग्राम हैंडल लिखा आ रहा है तुम्हारे भाई का, वहाँ पे आप आके देख सकते हो मेरी लाइफ के अपडेट्स जो रेगुलर मैं करता रहता हूँ, मैं सारी चीज़ें वहाँ पर पोस्ट भी करता रहता हूँ। स्नैपचैट की भी जो आईडी है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और अभी से मैं आपको बता दूँ कि मैं अब ऑटोमोबाइल्स के ब्लॉग के साथ साथ अपने रेगुलर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगा, मेरे को रेगुलर ब्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी मेरे को इंटरेस्ट है, बट ऑटोमोबाइल्स ब्लॉगिंग के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑडियंस आती है ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आती है, एज सच नहीं आती है। तो यही था एक बेसिक अपडेट मेरी लाइफ का।